हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज बनने वाला है पास्ता बहुत ही ज़्यादा देसी स्टाइल में, बट होगा ये रेड सॉस पास्ता। तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले पास्ता को बॉईल कर लेना है अच्छे से, इसके अंदर डालना है थोड़ा सा ऑयल ताकि ये बॉइलिंग में चिपके ना। पास्ता बॉयल होने के बाद कढ़ाई में रख लीजिए ऑयल, उसमें डाल दीजिए जीरा, प्याज डाल दीजिए, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ प्याज से ही पास्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। फिर मसाले डाल दीजिए, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये सब डालने के बाद हमें डालना है एक चम्मच नमक, थोड़ा ही डालना क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। फिर हम डालेंगे चम्मच पिज्जा सॉस, थोड़ा सा डालेंगे केचप, मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर इसके अंदर डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, फिर देखना पास्ता कितना मस्त सा रेडी हो जाएगा। तो पास्ता को भी अच्छे से चलाना है, 2 से 3 मिनट भाप से पकने के लिए रख देना है। फिर हमारा पास्ता बनके रेडी हो गया है। डेकोरेट कर लीजिए इसको, धनिया पत्ती के साथ डेकोरेट किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप भी बना के देखिए। बाय बाय।